सड़क किनारे झाड़ियों के पास परसोली गांव की लड़की मृतक कुमारी कुलेश्वरी सिवना की बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को बालोद पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आज बालोद जिला कार्यालय में जिला कप्तान ML कोटवानी ने शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी व आरोपी को पेश किया। इस वारदात में सिर्फ एक ही आरोपी है जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आरोपी हरिश्चंद्र निषाद उम्र 20 वर्ष, पिता चमन लाल निषाद ग्राम परसोली के ऊपर डोंडी लोहारा थाने में अपराध क्रमांक 76/2020 धारा 302-376 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी हरिश्चंद्र निषाद पूर्व से मृतका कुलेश्वरी सिवना से परिचित था व उनके बीच बातचीत थी और आरोपी लड़की से एक तरफा प्यार करता था। यही कारण था कि कुछ दिनों पूर्व लड़की की सगाई से आरोपी काफी आक्रोशित था, जिसके चलते आरोपी ने वारदात के दिन लड़की को घूमने ले जाने के बहाने से साथ ले आया तथा वारदात स्थल पर शराब पीकर नशे में संबंध बनाने की जिद करने लगा। इस बीच दोनों में खींचतान भी हुई तथा लड़की के मना करने पर आरोपी ने गले में पड़े स्कार्फ से गला घोंटकर युवती की हत्या कर दी व मौके से अपनी मोटरसाइकिल से वापस अपने घर आ गया तथा मृतका का मोबाइल भी अपने साथ ले आया व गांव में ही झाड़ियों में फेंक दिया। कल घटना के बाद जिला कप्तान ने मामले को सुलझाने व आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें निरीक्षक गौरव साहू, आरपी यादव, आरक्षक रूमलाल, सुरेंद्र दुर्योधन, पूरण प्रसाद, संदीप यादव, योगेश पटेल, मिथिलेश यादव की भूमिका सराहनीय रही। कल घटना के बाद बालोद जिला पुलिस अधीक्षक ML कोटवानी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक GR पोर्ते, DSP दिनेश सिन्हा, अमर सिद्धार्थ, प्रभारी अजाक थाना पदमा जगह, TI राजेश यादव, निरीक्षक अजित महोबिया ने वारदात स्थल पर सघन जांच किया था। मामले में बालोद डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी। मौके पर मिले सुराग व कुछ तथ्यों से जिला पुलिस कप्तान ने जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कही थी और वारदात के दिन ही देर रात तक सक्रिय पुलिस ने इस मामले में एक युवक को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ किया और इस मामले का खुलासा हो गया। युवक गांव का ही मृतक लड़की का प्रेमी निकला। वारदात करने के तरीके व घटना स्थल पर मृतका को देखकर कल ही बात का अंदेशा हो गया था कि यह प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि लड़की वारदात स्थल से 12 किलोमीटर दूर गांव परसोली की रहने वाली थी। वह खेड़सा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वह कॉलेज जाने के नाम से कल घर से निकली थी, जो देर रात तक घर वापस नहीं आई और घटना के बाद यह सही साबित हुआ। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।